धार जिले के सहायक आयुक्त आबकारी विभाग तथा राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की मिली भगत से हो रही है बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी। शराब माफियाओं से हर महीने दत्ती गांव को मिलती है नगद राशि। सहायक आबकारी आयुक्त सोम केसरी घर बैठे कमा रहे करोड़ों की काली कमाई। यह गंभीर आरोप जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुंवर बालमुकुंद सिंह गौतम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए लगाए। भारतीय न्यूज के लिए धार से साविर खान FM की रिपोर्ट। इथमपुर में जगह फैक्ट्री है, जगह इंटरप्राइजेस शराब फैक्ट्री है। वो शराब फैक्ट्री में अवैध तरीके से उत्पादन हो रहा है 3-4 हज़ार पेटी डेली। वो 3-4 हज़ार पेटी का अवैध तरीके से उसका परिवहन हो रहा है, जिससे कि सरकार को करोड़ों रुपए का हानि पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है। और यहाँ के जो आपका अधिकारी पदस्थ हैं उन सबकी मिली भगत से सारा ये सब कुछ हो रहा है। और इसके ऊपर पूरा के पूरा हाथ पूर्व विधायक दत्ते गांव जी इसके शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, शराब माफियाओं को पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर मुझे चुनौती दें दत्ते गांव जी, तो मैं बता दूंगा कि पिछले 15 महीने और अभी तक कितना रुपया हर महीने उन्होंने दिया है। और दूसरा, अगर आपको कन्फर्म करना हो तो ऐसी एक्साइज और दत्ते गांव जी कॉल डिटेल निकाल ली जाए, आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी बार इनकी बातें इनसे होती है और पूरे दबाव से काम कर रहे हैं। आबकारी अमले पर दत्ते गांव जी का बहुत प्रेशर है, बिल्कुल भी काम अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे। और मैंने फिर आपसे कहा एक कॉल डिटेल निकाल लीजिए दत्ते गांव जी की, और ऐसे की आपको पूरा सामने दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.